इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दे, देखिए तेज प्रताप यादव एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। तेज प्रताप यादव की मीटिंग में उनके जीजा शैलेश के आने पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की बैठक में तेज प्रताप के जीजा शैलेश कुमार भी बगल की सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं। शैलेश आखिर किस हैसियत से इस मीटिंग में बैठे थे, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। पहले कानून मंत्री, फिर कृषि मंत्री और अब नीतीश के वन मंत्री तेज प्रताप भी विवादों से घिर गए हैं। नए विवाद की वजह है सरकारी कार्यक्रम में तेज प्रताप और उनके अधिकारियों के साथ नजर आ रहा ये शख्स। बिहार के वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव सरकारी बैठक में अपने बहनोई शैलेश को भी साथ ले गए। तेज प्रताप कल बिहार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में पहुंचे, अधिकारियों के साथ बैठक की, कई दिशा निर्देश दिए, लेकिन मीटिंग की सामने आई इस तस्वीर ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स विवादों से घिरे तेज प्रताप, कौन है शैलेश? लालू प्रसाद यादव के बड़े दामाद और मीसा भारती के पति हैं। सवाल उठ रहा है कि सरकारी बैठक में तेज प्रताप के जीजा जी कैसे बैठे हुए हैं, अधिकारियों के साथ बैठने की इजाजत किसने दी? सामने आई इस तस्वीर पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री तेज प्रताप यादव को कोई हल्के में न ले, हमारे भाई शैलेश जी भी साथ बैठे हैं। मेरा दावा है कि राजद के सभी मंत्रियों से जी ज्यादा समझदार, ज्ञानी, टैलेंटेड जरूर है। शैलेश भाई का आशीर्वाद रहा तो तेज प्रताप सबसे बेस्ट मिनिस्टर साबित होंगे। और देखिए आखिर ये पूरी कहानी क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, ये सब जानने और बताने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। निखिल आनंद बीजेपी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, लव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के नेता, और हमारे सहयोगी शशांक भी मौजूद हैं। शशांक, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रहा हूं, पूरा मामला जरा एक बार जल्दी से बताइए, उसके बाद अपने दोनों मेहमानों के पास जाएंगे। देखिए, बिहार में एक दौर था जब लालू यादव के जो साले हैं साधु यादव, सुभाष यादव, उनकी धमक थी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये जगह जो है अब जीजा ने ले लिया है, क्या अब लालू की जगह तेज प्रताप उस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देखिए, बिहार प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की बैठक थी, ये वन एवं पर्यावरण मंत्री बने हैं तेज प्रताप, उस मीटिंग में वो अपने साथ अपने जीजा को ले गए थे शैलेश। मीसा भारती के हस्बैंड हैं, उनके लालू के सबसे बड़े दामाद हैं, दिल्ली में लालू के साथ रहते थे ये भी, जब लालू अभी दिल्ली में थे उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। आखिर किस हैसियत से गए, सवाल ये उठ रहा है। वो उनके कोई निजी सचिव नहीं है, कोई मंत्रालय के उनके PS नहीं है, तो फिर किस हैसियत से गए? आप किसी परिवार के व्यक्ति को अपना सचिव बना नहीं सकते हैं। ऐसा ही मामला अभी पूर्व CM जीतनराम मांझी के साथ आया था, जब उन्होंने अपने दामाद को बनाया था PS, बाद में उनको हटाना पड़ा फजीयत हुई तो। और इस बैठक में आप देखिएगा कि जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके बगल में तेज प्रताप हैं, चेयरमैन बीच में और ठीक बगल में शैलेश, और बिल्कुल पास में बैठे थे। तो क्या वो वहाँ पर दिशा निर्देश दे रहे थे, क्या वही रिव्यू मीटिंग ले रहे थे? ये कई तरह के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। नियम का कहीं ना कहीं यहाँ पर उल्लंघन किया गया है, किसने इजाज़त दी बैठक में जाने की, इसका जवाब तेज प्रताप को भी देना पड़ेगा, शैलेश को भी देना होगा कि किस हैसियत से वो वहाँ पर पहुँचे थे। ये मंत्री बनने के बाद पहला इस तरह का रिव्यू मीटिंग जो है तेज प्रताप यादव प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर में जाकर ले रहे थे, और चेयरमैन के ठीक बगल में बैठना शैलेश का कई तरह के सवाल को खड़ा कर रहा है। क्या नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? पूरा मामला आपने बताया और सवाल अब वाकई यही उठ रहा है कि आखिर सरकारी मीटिंग में जीजा का क्या काम? हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं, लव सिंह से मैं जानना चाहूंगी क्योंकि सरकार में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन लव सिंह सवाल तो पूछा जाएगा, सरकारी मीटिंग में परिवार के सदस्यों का क्या काम, जीजा वहां क्या कर रहे थे? देखिए, जैसे ही सरकार बनी है आप देखिएगा कि विमर्श को लोग कहां लेके जा रहे हैं। जैसे ही सरकार बनी 15 अगस्त को जो घोषणा हुई आदरणीय नीतीश कुमार जी की 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, आज डिबेट का विषय वो होना चाहिए था, डिबेट का विषय वो ये होना चाहिए था कि कितना बढ़िया मेट्रो बन रहा है। आपके लिए डिबेट का विषय नहीं है, मैं सवाल पूछ रही हूं। ड्राइव बना, सुनिए ना लव सिंह जी, सवाल आपसे जो पूछा गया उसका जवाब पहले दीजिए। सरकारी मीटिंग थी, आपको मालूम होगा सरकारी मीटिंग में कि आप अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर जाएंगे? सरकारी को इसकी जानकारी ली जाएगी पहले, अब सीधे सीधे वही के क्वेश्चन की बात हो जा रही है। आज सबसे ज्यादा हायतवा इस चीज पर क्यों मच रही है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या है, अचानक 5 दिन सरकार बने हुआ सारा बुराई सरकार में निकाली जा रही है? ये एक साजिश के तहत इस तरह से हम लोगों के सरकार को पूरे देश में जो एक माहौल बना है सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक ताकत के रूप में नीतीश कुमार जी उभरे हैं, उसके अगेंस्ट ये सब जो। लेकिन लव सिंह जी, आपने अभी तक सवाल का जवाब ही नहीं दिया जो मेरी सहयोगी सुरीन ने पूछा आपसे कि आखिर
जीजा क्या कर रहे थे मीटिंग में। निखिल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल आनंद जी, लव सिंह जी कह रहे हैं कि हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है, और आप साथ ही आपने ट्वीट का मतलब भी बताया। आप कह रहे हैं शैलेश जी तो बड़े टैलेंटेड हैं, ज्ञानी हैं, सबसे बेस्ट मिनिस्टर वही बनेंगे, क्या मतलब उसका? देखिए, ऐसा नहीं कि कोई हाय तौबा मचा रहा है, और हम बिल्कुल डेस्परेट भी नहीं है। सरकार, उन्होंने नीतीश जी आदतन जो यू टर्न हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, उस तरीके से यू टर्न करते हुए उन्होंने सरकार बना ली। लेकिन ये मौका कौन दे रहा है? आप देखें कि एक व्यक्ति जिसको कोर्ट में पेशी होना था, वो उसी वक्त कानून मंत्री की शपथ लेता है। जो चावल घोटाले का आरोपी है, वो कृषि मंत्री बनता है। अब बैठक में शैलेश जी को लेकर जाने के लिए तो हमने तेज प्रताप जी को नहीं कहा था। अब एक सामान्य सी बात है, जब मेरा ध्यान गया तो हमने एक सेंस ऑफ अप्रिसिएशन और सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ ये लिखा है कि निश्चित तौर पर आप देखें कि बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, उन सारे मंत्रियों से शैलेश ज़्यादा काबिल, ज्ञानी और बिल्कुल टैलेंटेड हैं। तो हमने लिखा कि तेज प्रताप यादव को कोई हल्के में ना ले। शैलेश जी अगर ऐसे टैलेंटेड आदमी अगर साथ बैठे हैं और उनका ब्लेसिंग्स रहा, तो तेज प्रताप यादव नीतीश कैबिनेट के सबसे बेस्ट मिनिस्टर प्रूव होंगे। और इसमें इसको एक तंज के तौर पर भी ले सकते हैं, और मीटिंग में जाना कहीं ना कहीं एक डिकोरम जो है विभागीय मीटिंग का, उसके खिलाफ है। तो सवाल तो उठेंगे, निश्चित तौर पर तेज प्रताप यादव जवाब देंगे या फिर आरजेडी परिवार जवाब देगा। लेकिन देखिए, दिक्कत यहाँ है कि आरजेडी को नियम कानून इन चीजों से मतलब नहीं। तेजस्वी यादव से कोई एतराज हमें नहीं है, तेजस्वी यादव दूसरी मर्तबा उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इस बार लगा था कि कुछ ज्यादा मैच्योर होंगे, लेकिन जिस तरह के गुंडा किस्म के, अपराधी किस्म के लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में अपने इर्द गिर्द सजाया है, निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को उनके चाल चरित्र चेहरे की हानि होगी, उनके क्रेडिबिलिटी की हानि होगी। तेजस्वी यादव शायद कुछ बेहतर प्रेजेंटेशन करते, कई सारे कम्युनिटीज़ में बेहतर लोग थे, अच्छे यंग वाइब्रेंट फेसेस थे जिनको मिनिस्टर बना सकते थे। और तेजस्वी यादव पिछला जो ट्रेडिशन रहा है आरजेडी का, उस साइकिया को रिवाइव करने की बजाय एक कोर्स अपनाते, एक नया मैसेज देने का काम करते। हमें कोई एतराज नहीं, विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे हैं, हम सवाल खड़े करेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास, सत्ता पक्ष का काम है। लव सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लव सिंह जी, मैं आपका रुक कर रहा हूं, निखिल जी पूरी बात को समझा रहे हैं, वो जो बीजेपी या विपक्ष के जो सवाल है वो बता रहे हैं, लेकिन मेरा बड़ा सीधा सवाल है, नीतीश कुमार डेकोरम फॉलो करने वाले नेता माने जाते हैं। जब मुकेश सहनी के भाई एक कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं, सरकारी कार्यक्रम में, उस पर भी उन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो कार्रवाई की ही थी, उस पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी थी, और इसी तरह दूसरे मामले पर भी। लेकिन अब ये जो हो रहा है, आप भी जब पार्टी की बैठक में जाते हैं, क्या अपने परिवार के लोगों को लेकर जाते हैं? क्या सरकार मंत्री चलाएंगे या जीजाजी लोग चलाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, वो आज भी उसी चीज के लिए जाने जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और पूरी जानकारी इसमें एकत्रित की जाएगी। और जहां तक ये विमर्श जो इन लोगों ने उठाया है, अभी सरकार बनेगी, अच्छे चलेगी, सबसे ज्यादा चिंता आज विपक्ष को, विपक्ष में जब बीजेपी है तो क्यों हो रही कि हमारे यहाँ इसको होना चाहिए, हमारे यहाँ उसको होना चाहिए। अरे सरकार काम नहीं, कैसे तो करेगी? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, तो हसनपुर से क्यों नहीं ले गए तेज प्रताप किसी को? हसनपुर के किसी ब्लॉक प्रमुख को ले जाते, किसी पंचायत के आदमी को लेकर चले जाते, उसको भी ले जाते। हफ्ते में गुंडागर्दी की छूट दे दी जाए, आपके साथ रहने पर तो निखिल जी हम लोग गंगा जल से धुले रहते हैं। जैसे ही आपके यहाँ से कोई हटता है ना, तो उसमें सारी बुराइयां आ जाती है। नहीं, आप तो हमको पलकों पर बिछाए रखे, समूचे देश में आपके यही हमारे गवर्नेंस का लो जी, नीतीश कुमार से बढ़िया कोई गवर्नेंस वाला नहीं। इन्होंने सवाल खड़े होने पर, ठीक है लव सिंह जी, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया कि सरकार चलाएगा कौन, मंत्री चलाएंगे या जीजा चलाएंगे। आप बार बार बातों को घुमाते रहे, लेकिन सवाल उठेंगे जरूर, क्योंकि तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि आखिर पर्यावरण मंत्री के बगल में जीजा जी बैठकर क्या कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ जो मीटिंग चल रही है उसमें वो क्या कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका भी, निखिल आनंद आपका, लव सिंह आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार से जो तस्वीरें आई हैं तेज प्रताप यादव की बैठक की, उसमें आखिर जीजा जी क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, और लगातार इस पर आगे से भी आपको इससे जुड़ी तमाम जानकारियां देते रहेंगे कि पर क्या कुछ होता है।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।